दोस्तों, प्राकृतिक व्यतिक्रम से ही रोग उत्पन्न होते हैं और समानुपातान से उनका निदान भी हो जाता है। यह एक शाश्वत एवं स्वयं सिद्ध नियम है और यह केवल शास्त्र या पुराणों का ही कथन नहीं है। जब भी नैसर्गिक संरचरण में भेद पैदा होगा, कोई ना कोई अनपेक्षित या कृत्रिम घटना दुर्घटना जन्म लेगी ही, और इसी बात या तह को कोई बहुत पढ़कर समझता है तथा कोई प्रकृति की गोद में बैठ निरंतर अनुभव के द्वारा इसे समझ लेता है। जबकि जो सत्य है वह सनातन है, जो सनातन है वही सत्य है, बाकी सब तो इस दुनिया में असत्य ही है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि उधमपुर यानी जम्मू से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान है जिसे शिवखेरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान शिव का एक बहुत पुराना स्थान है और यह बहुत ही दुर्गम स्थान पर है। इसमें जाना सबके बस की बात नहीं है, फिर भी यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा होती है। जम्मू से सीधे यहाँ के लिए बस सेवा है। चाहे जो भी हो, यह एक अति मनोरम स्थान है और शिवखेरी से लगभग 7 किलोमीटर पहले मुख्य रास्ते से पश्चिमोत्तर दिशा में एक स्थान है देवजल, जो बिल्कुल संकरी चतुर्दिक सघन पहाड़ियों से घिरा चीड़ एवं देवदार के घने वृक्षों से ढका यह स्थान बड़ा ही डरावना दिखता है। वैसे भी यहाँ पर घूमने जाना वर्जित है क्योंकि यहाँ बड़े बड़े बाघ एवं भालू जैसे हिंसक जीव पाए जाते हैं। इन पहाड़ियों के बीच में एक बिल्कुल खाली एवं साफ सुथरा लगभग 500 एकड़ में फैला स्थान है। बिल्कुल सपाट एवं समतल स्थान है। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक अति संकरी पगडंडी जो पहाड़ियों के बीच से होकर पेड़ों एवं घड़ी झाड़ियों से गुजरती है, उसी से जाना होता है। और प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की दशमी एवं कृष्ण पक्ष की अष्टमी को एक महात्मा जी यहाँ आते हैं और कभी कभी नहीं भी आते हैं। लोगों ने कई बार कोशिश की, लोगों के साथ जाते थे, लेकिन उन्हें निराश होकर ही वहाँ से लौटना पड़ा था। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।